ये देखो ये रेड बुल आपने मेरी हर वीडियो मेरे पास देखी होगी। आज इसको एक नया नाम मिला है और नया नाम दिया है अपने प्रथम शौकीन भाई ने। नाम बताइए भैया एक बारी। झोटे का शेख। तो भाई झोटे का शेख। और भाई एक बार अपनी गाड़ी की ना आवाज सुनना भाई, बहुत तोड़ा आवाज है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज आप भी हैरान रह गए होंगे कि सुबह सुबह कैसे आज मेरा, मतलब मैं हमेशा इवनिंग में डालता हूँ, सो आज इतनी मॉर्निंग में ये देखिए काफ़ी बढ़िया मौसम हो रखा है। बारिश के मौसम की जो मॉर्निंग होती है उसका अलग ही मज़ा होता है। सो भाई आप भी ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह आज इतनी जल्दी कैसे निकल गया। सो भाई अभी अपन है ये महिपालपुर चल रहे हैं, घर से निकला ही हूँ, सो सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता इसलिए जल्दी पहुँच गया हूँ। बाकी भाई मैं द्वारका जा रहा हूँ, कुछ गाड़ियों के शूट थे वहाँ पर, रिव्यू शूट करने थे, तो उसके लिए जा रहा था। मैंने सोचा एक व्लॉग भी बन जाएगा अपना, डेली व्लॉग। और भाई सुबह सुबह तो वैसे ही रोड खाली होते हैं, मज़ा ही अलग है। सो भाई काश कभी दिन में भी इतना रोड खुला मिल जाए तो मज़ा ही अलग आ जाए। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फ़ोन को अपने उसके अडेप्टर पर माउंट कर देता हूँ। कल भाई एक वीडियो में ना काफ़ी साउंड आ रहा था उसकी वजह से, इस वजह से ना मैंने लगाया नहीं, लेकिन अब लगा के देखता हूँ शायद से साउंड ना आए। तो भाई इतनी सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, जो असली ट्रैफिक आता है ना वो आएगा भाई। देखो अभी तो 8:30 हो रहे हैं, असली ट्रैफिक आएगा 9:30-10 बजे दिल्ली में। तो अभी तो मैं राइट से भी निकाल सकता हूँ हाईवे से ही, आगे से लेफ्ट ले लूँगा। तो भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ है ना जो चल रही होती है पहले से हाईवे पर, इतनी जल्दी आपको एंटर नहीं करने देती, कम स्पीड पे आ रही होती हैं और उसके बाद भी आपका रास्ता ब्लॉक कर लेती हैं। मतलब सुबह सुबह के टाइम तो सारे शूमाकर बने हुए सारे, वैगनार वाला तो ऐसे कटिंग फेल रहे ना, गजब कटिंग फेल रहा आगे वैगनार वाला। ये देखो भाई जो जा रही है वैगनार, अभी देखना इसके कट। आगे से शायद से जाने का रास्ता नहीं है, या है तो एक बार देख लेते हैं, गोल चक्कर पे ही पता लग जाएगा आपको, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जा रही है गाड़ियाँ जा रही हैं। हम निकल सकते हैं मतलब सीधा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये फ्लाईओवर है भाई, लिखा तो हुआ है वन वे, मतलब भाई चालान कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मैं नहीं जा रहा इधर, कोई फायदा नहीं है जाने का भाई, अपना ही चालान कटेगा। इस टाइम भाई देखो सबका ये भागा दौड़ी इस वजह से है दिल्ली में, क्योंकि सबको पता है कि भाई कुछ देर बाद ऐसा ट्रैफिक लगने वाला है जो बिल्कुल ऐसी तैसी करने वाला है पूरे दिल्ली की। आज सैटरडे है, उसके बाद भी भाई जगह दे दे। भाई लोग जगह नहीं देते भाई, जान पूछ कर जगह नहीं देते। ये देखो मैं एंड मोमेंट पे निकला हूँ इस रेड लाइट से, पर निकल गया हूँ। आप सबको जितना लगता है ना कि ये सब कारें जिनके लो प्रोफाइल टायर्स होते हैं ये सब बड़ी अच्छी चलती होंगी, सो ये देखिए ये हमारे लिए एक डेली चैलेंज होता है कि इन टूटे रोडों पर हमें कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं चलानी है। सो अनाड़ी आदमी है ना, मतलब आपके सस्पेंशन की और आपके टायर्स की ऐसी तैसी भी कर सकता है। भाई इस टाइम पर ना बाइक वाले तो इतना निडर हो जाते हैं ना, मतलब पूरी गाड़ी जितनी जगह, भाई ये पुल बन गया क्या बात है यार, मैं तो बड़े दिनों बाद इस रोड पर आ रहा हूँ भाई। ये सिंगल पुल होता था और सिर्फ एक साइड गाड़ियां चलती थी, क्या बात है यार। और भाई कुछ मेरे भाई वगैरह डालते हैं कि भाई आप आगे के एंगल का, मतलब ड्राइव करते हुए रोड वगैरह की वीडियो डाल, मतलब बात करते हुए डाला करें, सो भाई वो भी हो जाता है।
आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से। सो भाई आप सबका भी ये इंटरटेन हो जाता है। सो भाई आपके सिर्फ इसी प्यार मोहब्बत के लिए भाई मैं इस यूट्यूब में आया हूँ। और भाई कई बंदे तो मेरे से कई बारी पूछते भी हैं कि भैया आपका मेन काम क्या है। मैंने कहा भाई मेन काम कुछ भी हो उसको निपटाने के बाद इसको करते हैं। मैंने आज तक कभी अपने दूसरे काम को अपने इस काम में मतलब बीच में इन्वॉल्व नहीं होने दिया है और भाई ना ही कभी होने दूंगा, क्योंकि भाई दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग काम हैं। सो ये अभी ठीक करना ही पड़ता है भाई, सनरूफ जब तक हो नहीं जाएगा। मैं तो रोज़ टाइम गिनता हूँ कि भाई कितने दिन में होगा। अब भाई 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन बाद शायद से अपने पार्ट बनकर आ जाएंगे और ये तैयार हो जाएगा अपना अभी सनरूफ भी। भाई ये देखो आज अपनी गाड़ी की पूरी पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है। देखो कैसी कैसी जगह चढ़ रही है गाड़ी। और अभी ये नहीं पता कि भाई वो लोग दोनों है कहाँ पर, मेरे ख्याल में इधर हैं। हाँ वो दिख रही है मेरे को गाड़ी शायद से। आज क्या ऑफ रोडिंग कराई है भाई गाड़ी, बारिश का मौसम है, कीचड़ में ऐसे धसती हुई पूरी, अगर मतलब पूरी 4x4 की फील दे दी आज मेरे मेरी गाड़ी ने। अरे भाई मैं गलत रोड पे आ गया, वो गलत पे चले गए, आगे से मोड़ लाएंगे भाई, कोई बात नहीं। ट्रैक तो अच्छा है यार, ये शायद से भाई वो ट्रैक है जहाँ पर मेरी 5 सीरीज से रेस हुई थी। ये खड़ी भाई गाड़ियाँ। सो गाइस आज जिंदगी में इतने मजे लिए जा रहे हैं, कभी नहीं लिए गए, सारा किसी को नहीं दिए। ये देखो ये रेड बुल, आपने मेरी हर वीडियो मेरे पास देखी होगी, आज इसको एक नया नाम मिला है और नया नाम दिया है अपने प्रथम शौकीन भाई ने। नाम बताइए भैया एक बारी। झोटे का शेक। तो भाई झोटे का शेक मतलब झोटा, झोटा किसी को नहीं पता कि झोटा क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। गाय होती है और बैल होता है, तो बैल को भाई मतलब जो भैंस का आदमी होता है, हस्बैंड होता है जो भैंस का, उसको भाई हमारे में झोटा कहते हैं। सो ये मतलब आप समझ जाइए भाई इसको, इसको क्या कहा जा रहे हैं। तो भाई मैंने खरीद लिया, मेरा खोलने का मन नहीं कर रहा जब से भाई ने ऐसे बोला है। भाई कैमरे का तो बहुत गंदा सांग हो भाई, पता ही चल रहा है मेरे को, सोच के डर लग रहा था कि अगर मैं अपडेट कर लेता तो क्या बढ़ती मेरे साथ यार। बग्स इतने आ गए इसमें, पता नहीं कब ठीक करेंगे, और अभी तक ठीक नहीं कर रहे एप्पल वाले, अब तक लाया नहीं है, देख ले दूसरा। और अच्छा मैंने दूसरे फोन में भी किया नहीं है। 90% ब्लॉगर्स तो क्या कहते हैं आईफोन यूज करते हैं, आईफोन से ही हो रहा है भाई, अपना तो सारा चैनल ही आईफोन पे ही है। 5% कैमरा, 5% एंड्रॉइड। सो भाई 2-3 रेसें अपनी हो चुकी हैं और एक रेस आज अपनी अपनी गाड़ी की होनी है। एक बाइक आ रही है भाई डोमिनार 400। सो उन भाई का ये कहना था कि डोमिनार 400 अपनी 200 से आगे निकल जाएगी, तो भाई हमने भी सोचा करके देख लेते हैं। सो जो आगे निकलेगा वो आपके सामने होगा। अच्छा भाई तने भी कैमरा खोल लिया? अच्छा भाई ओके मेरे भाई, ठीक है वो आ गए। एक और ब्लॉगर भाई साहब आ गए, उनको भी बाय कर दो, कर ले 2-4 ड्रैग रेसिंग कर ले, लालच ज्यादा हो रहा है। काम में भी कर लेंगे, ये देख काला हो गया, काले वाले भाई गांव में। भाई पीवे है पपाया जूस, कोना खोल लिया आज, कोना खोल लिया, गर्म मन लाग रहा है, के करा भाई, झोटे जी संगा भी तो अच्छी है। ओके मेरे भाई ओके। सो भाई अपन बैठे हैं प्रथम की गाड़ी में, प्रथम कर रहा है अपनी गाड़ी से ड्रैग एक डोमिनार के साथ ही। और देखो भाई प्रथम की ड्रैग में कितनी स्पीड में फ़र्क आएगा और मेरी ड्रैग में कितनी स्पीड में फ़र्क आएगा ये भी बताना। और भाई एक बार अपनी गाड़ी की ना आवाज़ सुनना भाई, बहुत तोड़ आवाज़ है। प्रथम ने अभी सांस तोड़ दिया था बीच में। हाँ देखा था भाई, ये देखिए ड्रैग होती हुई आ रही है अपनी, ए आ रही है और साइड में डोमिनार, और ये देख लो भाई डोमिनार और दोनों साथ साथ हैं। अब हल्की सी आगे निकल गई, हाँ, और उसने ब्रेक मार लिया बिल्कुल भाई। सो 4 राउंड हो गए इनके भी, एंडी करेंगे अभी अभी है ना, 3 राउंड नहीं नहीं आते हुए भी कर गए ना एक। अच्छा, 2 जाते हुए 2 आते हुए। सो
तो भाई ड्रैग्स अपनी खत्म हो गई हैं और रोड आप देख रहे हो भाई कितने चैलेंजिंग है इधर, क्योंकि ये देखो पूरा रोड बन रहा है और थोड़ा कच्चा रोड है भाई, लेकिन इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि गाड़ी धस जाए या बैठ जाए। हाँ धूल मिट्टी काफ़ी है। अब यार भाई अपने घर की तरफ निकलें। ये देखिए मैं आपके सामने, 12:07 हो गए हैं, मैं 8 बजे का निकला हूँ, 4 घंटे हो गए हैं और अभी भी घर पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा। सो फटाक से पहुँचते हैं यार, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और आज सुबह सुबह ही थकान इतनी हो गई है, क्योंकि भाई यार मतलब सूरज नहीं निकला हुआ लेकिन फिर भी ना गर्मी ऐसी है कि पसीना आपका बहुत बुरी तरह से निकाल देती है। गाइस थकान आपको मेरे चेहरे पर फुल ऑन दिख रही होगी। भाई सुबह 7 बजे निकल गए थे और अभी ये देखिए भाई 1 बजने में 20 मिनट बचा है और अभी अपन पहुंचे हैं वसंत कुंज के भी, अभी मतलब एंट्री हुई है। सो अभी अपना घर यहाँ से और 5-7 मिनट दूर है, कोई दिक्कत नहीं इतनी। तो बाकी भाई थकावट इसलिए हो गई है, रात को मैं सोया था 5-5:30 बजे मेरे को नींद आई थी और भाई 7 बजे मैं उठ गया। सो 2 घंटे में आपको भी पता है भाई क्या ही नींद पूरी हुई होगी, लेकिन भाई आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें भाई हमें उठना पड़ता है, वीडियोस बनानी पड़ती हैं। सो भाई जो भी हमारी मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब आप सब भाई भाई कमेंट करके हमको हमारी कमी पेशी बताएंगे कि भाई आपका ये कमी है, ये कमी है, आपको ये डालना चाहिए। भाई तभी हम खुद में सुधार लेकर आ पाएंगे जब आप हमें बताएंगे, और आप ही नहीं बताओगे तो भाई कैसे चलेगा। सो प्लीज़ मेरे भाई डेली व्लॉग्स पे भी कमेंट करें और बताएं भाई हमसे क्या दिक्कत रह गई है। बाकी भाई आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया था इसलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं भाई एक नए व्लॉग के साथ, एक नई ड्रैग के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइज़।